Day 23 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है हार्ट वार्मिंग। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है या फिर कोई पर्सन है, कोई इंसान उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को जगा देता है या फिर उसके अंदर जो खुशियों वाली भावनाएं होती है उनको जगा देता है या फिर उनको इंस्पायर कर देता है या फिर कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है वो आपके अंदर दिल को छू लेने वाला एहसास पैदा कर देती है। जैसे बस के अंदर एक अजनबी ने एक बूढ़े इंसान को सीट दे दी, तो ये जो मोमेंट है वो एक पॉजिटिव एनर्जी जगा देने वाला है दूसरों के अंदर या फिर दूसरों के अंदर खुशियों वाली भावनाएं पैदा कर देने वाला है। एक जानवर होता है वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा जो वफादारी दिखाता है या फिर बहुत ज्यादा जो प्यार दिखाता है वो मोमेंट दिल को छू लेने वाला होता है या फिर दूसरों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को जगा देने वाला होता है। द साइट ऑफ 1000 चैंटिंग जय सियाराम एट द राम टेम्पल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वॉज हार्ट वार्मिंग। मतलब राम मंदिर भूमि पूजन की सेरेमनी में जब हजारों लोगों ने जय सियाराम के नारे लगाए तो ये जो सीन था वो देखने लायक था या फिर दिल को छू लेने वाला था या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी को जगा देने वाला था। चार्ट बस्टर मतलब एक ऐसा गाना है जो सब जगह पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। मतलब म्यूजिक का जो चार्ट होता है उसमें सबसे टॉप पर रहता है वो, मतलब एक बहुत ज्यादा वायरल गाना बोल सकते हो जो बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। रंग बरसे वॉज अ चार्ट बस्टर फॉर बीजेपी इन 2019 इलेक्शन कैप्चरिंग द फेस्टिव मूड ऑफ होली। मतलब रंग बरसे जो गाना था वो बीजेपी के लिए 2019 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा चार्ट बस्टर गाना था। मतलब 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के जो लीडर्स थे, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता थे, उन सभी के द्वारा ये गाना बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था जिसमें होली का जो त्योहार है उसके मूड को दिखाया गया था। टिच मतलब कोई भी चीज है या फिर कोई भी पद है उसको अचानक से त्याग देना, उसको अचानक से छुटकारा पा लेना उसका, या फिर हमारे मन में कोई भी विचार है या फिर कोई भी प्लान्स है उनको त्याग देना, उनका त्याग कर देना। सम दिल्ली बीजेपी लीडर्स डिस्ड द पार्टी जस्ट बिफोर द असेंबली इलेक्शन। मतलब दिल्ली के जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं जो भी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले थे ठीक उससे पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया या फिर पार्टी को त्याग दिया। बैक स्टैब मतलब पीठ पर छुरा घोंपना। जैसे कोई भी इंसान है वो आप पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करता था लेकिन अचानक से उसको धोखा दे देना, उसकी पीठ में छुरा घोंप देना या फिर गुप्त रूप से उसको धोखा दे देना, मतलब उसको बिना बताए उसका नुकसान कर देना या फिर उसको धोखा दे देना। मतलब एक करीबी दोस्त था, उसने अपने करीबी दोस्त को ही धोखा दे दिया। मतलब उसकी जो भी गुप्त जानकारियां थी उसने किसी को दे दी, किसी के साथ शेयर कर दी, तो अचानक से या फिर गुप्त रूप से उसने उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया। योर बिजनेस पार्टनर इज बैक स्टैबिंग यू बाय मेकिंग अ डील दैट बेनिफिट्स हिम एट योर एक्सपेंस। मतलब तुम्हारा जो बिजनेस पार्टनर है वो तुम्हें धोखा दे रहा है या फिर तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंप रहा है तुम्हारे ही खर्चे में किसी के साथ डील करके जिसमें केवल उसी का फायदा होगा। एक ऐसी डील कर रहा है जिसमें केवल उसी का फायदा होगा, उसी का प्रॉफिट होगा, तो आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर वो आपको धोखा दे रहा है या फिर आपकी पीठ पर छुरा घोंप रहा है। बो डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी के सामने अपने घुटने टेक देना या फिर उसके सामने सरेंडर कर देना। जैसे राजा की जो प्रजा होती है वो राजा के सामने अपना सिर झुकाती है तो उसको बो डाउन बोल सकते हो। हम प्रेयर्स में अपने सिर को झुकाते हैं तो उसको बो डाउन बोल सकते हो। ही रिफ्यूज टू बो डाउन टू द प्रेशर एंड स्टूड हिज ग्राउंड। मतलब वो बहुत ज्यादा दबाव में आ जाने के बाद भी या फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था, इस दबाव के आगे उसने बो डाउन करने से मना कर दिया या फिर अपने सिर झुकाने से मना कर दिया या फिर बोल सकते हो अपने घुटने टेकने से मना कर दिया और केवल अपनी बात पर अड़ा रहा। फ्यूजन मतलब कुछ यूनिक सा बनाना चाहते हो या फिर कोई अनोखी चीज सी आप बनाना चाहते हो तो उसको बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों का जो मिश्रण होता है उस मिक्सचर को आप फ्यूजन बोल सकते हो। द रेस्टोरेंट ऑफर्ड अ डेलिशियस फ्यूजन ऑफ थाई एंड मैक्सिकन फ्लेवर्स। मतलब रेस्टोरेंट ने एक थाई और मैक्सिकन का एक फ्यूजन पेश किया या फिर एक मिश्रण पेश किया जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। रीशेप मतलब किसी चीज को एक नया स्ट्रक्चर दे देना, एक नया रूप दे देना या फिर एक नया आकार दे देना। जैसे कंपनी ने यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एक नया रूप लेकर आई या फिर उसमें बदलाव लेकर आया। द ट्रेजेडी रीशेप्ड हर लाइफ एंड मेड हर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। मतलब एक दुखद घटना हो गई थी उसके साथ, तो उस दुखद घटना ने उसकी जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया या फिर उसकी जिंदगी को एक नया रूप दे दिया, उसकी जिंदगी को एक नया आकार दे दिया और इसी की वजह से वो एक इंसान बन गई जो कि बहुत ज्यादा मजबूत इंसान थी और इसी की वजह से उसकी जिंदगी में जो भी मोमेंट आए थे तो इसकी वजह से वो एक बहुत ज्यादा मजबूत इंसान बन गई। पुट अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब जैसे कोई भी बुरी सी चीज है, बुरी सी सिचुएशन है, बुरी सी मोमेंट है, उसको बहुत ज्यादा झेलना, उसको बहुत ज्यादा सहन करना। जैसे जो प्रोटेस्टर्स होते हैं जो सरकार की नई पॉलिसीज आती हैं तो उनको बहुत ज्यादा झेलते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बुरी मोमेंट होते हैं वो, तो उनको बहुत ज्यादा सहन करते हैं या फिर झेलते हैं। शी पुट अप विद नॉइजी नेबर्स फॉर मंथ्स बिफोर कंप्लेनिंग। मतलब उसके जो पड़ोसी थे वो बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले थे या फिर बहुत ज्यादा शोरगुर करने वाले थे, तो उसने अपने पड़ोसियों के खिलाफ कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी। तो कंप्लेन करने के बाद तो सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जब उसने शिकायत की तो उससे पहले मतलब कुछ महीनों से वो बहुत ज्यादा झेल रही थी,
उन शोर शराबे वाले पड़ोसियों को उनको बहुत ज्यादा सहन कर रही थी। विनेबिलिटी मतलब किसी कॉम्पिटिशन को जीतने की इच्छा शक्ति बोल सकते हो, या फिर उसको जीतने की क्षमता बोल सकते हो, या फिर उसमें सक्सेस पाने की संभावना को आप विनेबिलिटी बोल सकते हो। द कैंडिडेट्स विनेबिलिटी वॉज बूस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट, मतलब जनता के मजबूत सपोर्ट की वजह से या फिर जनता के मजबूत साथ की वजह से, मतलब जनता बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी इस चीज की वजह से जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ था उसकी जीतने की संभावना बढ़ गई। फ्रिजिड मतलब जैसे मौसम है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा बर्फीला है, या फिर कोई चीज भी हो सकती है। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में जो पूरी धरती होती है, आसपास का जो पूरा माहौल होता है वो बहुत ज्यादा ठंडी बर्फ से जम जाता है, या फिर ठंडी बर्फ से चादर से ढक जाता है। इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे किसी की कोई फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है, मतलब उसके अंदर इमोशंस ही नहीं रहे, वो इमोशंस लेस हो गया है, या फिर उसके अंदर इमोशंस की कमी हो गई है। द कपल्स रिलेशनशिप हैड बिकम इंक्रीजिंगली फ्रिजिड, मतलब जो कपल है उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ठंडा होता जा रहा है, या फिर लगातार शांत होता जा रहा है, मतलब उनके बीच में जो भी इमोशंस थे वो बहुत ज्यादा ठंडे होते जा रहे हैं, उनके अंदर इमोशंस की कमी होती चली जा रही है, या फिर उनके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उस चीज की उनके अंदर कमी होती चली जा रही है। परसिस्ट मतलब बहुत ही कठिन सी सिचुएशन आप झेल रहे हो, उस सिचुएशन के बाद भी बने रहना, अपने मोमेंट में बने रहना, या फिर हार ना मान। जैसे कोई भी इंसान है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ है, उसकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन सबको भुलाकर वो आगे बढ़ रहा है, या फिर वो हार नहीं मान रहा है। द क्लाइंबर परसिस्टेड थ्रू द ब्लिजार्ड इवेंचुअली रीचिंग द पीक, मतलब एक क्लाइंबर था या फिर एक पर्वतारोही था जो बहुत ज्यादा बर्फीले तूफान के बाद भी डटा रहा, मतलब वो पर्वत पर चढ़ रहा था लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बहुत ज्यादा ब्लिजार्ड है आगे, या फिर बहुत ज्यादा बर्फीला तूफान है, या फिर बहुत ज्यादा बर्फीली आंधी है, या फिर बहुत ज्यादा बर्फीली आंधी है। इस सब के बाद भी वो आगे डटा रहा, अपनी हार नहीं मानी और लास्ट में वो शिखर पर पहुंच गया। हैम्पर मतलब जैसे कोई भी चीज है उसमें रुकावट डाल देना, उसमें बाधा डाल देना, या फिर उसको असुविधा पूर्ण बना देना, इस रुकावट की वजह से या फिर इस बाधा की वजह से किसी चीज की स्पीड को कम कर देना, या फिर किसी पर्सन की स्पीड को कम कर देना, या फिर उसके मोमेंटम में कमी आ जाना, या फिर कोई बहुत ज्यादा सक्सेस की श्रेणी पर है, सक्सेस के स्टेप से वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसमें भी कमी आ जाना, उसमें बाधा डाल देना ऐसे बोल सकते हो। एक जैसे एक एम्प्लॉय था उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो इस कॉन्फिडेंस की कमी ने उसके प्रमोशन में बहुत ज्यादा बाधा डाल दी, या फिर इसी चीज की वजह से मतलब जो भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है इसकी वजह से उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। हैवी ट्रैफिक हैम्पर्ड और जर्नी डिलेइंग और अराइवल, मतलब भारी ट्रैफिक की वजह से हमारी यात्रा में या फिर हमारी जो भी जर्नी थी, हम कहीं पर जा रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा बाधा पैदा हो गई, या फिर बहुत ज्यादा रुकावट पैदा हो गई, और इसी चीज की वजह से हम वहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा लेट हो गए। अमेज मतलब किसी पर्सन को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देना, बहुत ज्यादा हैरान कर देना, या फिर आप बोल सकते हो उसको बहुत ज्यादा चौंका देना। जैसे पर्वतारोही थे वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे, पहाड़ की चोटी पर वो चढ़ गए, तो उस चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो सीन देखा वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था, या फिर बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। आई एम अमेज्ड एट हाउ गुड आई एम एट प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मैं टाल मटोल करने में कितना अच्छा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं जानना चाहूंगा आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनके ऊपर आपको डाउट है, उन सारे वर्ड्स को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।